हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोइट। आज मैं आया न्यू रिक्रूटमेंट के साथ, जो कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकली है। और इसका एडवर्टाइजर नंबर जो है वो है 32/2019 और 2020। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो है बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि सिविल ब्रांच से हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकली है 350 वैकेंसीज हैं और जनरल वालों के लिए 145 है। और इसी में जो 350 में से टोटल वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है, और इसमें एससी वालों के लिए 24 है, एसटी वालों के लिए 52 है, एसईबीसी वालों के लिए 94 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 35 है। और यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग, उनके लिए अलग रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका पे स्केल रहेगा वो 9,300 से लेके 34,800 रहेगा, प्लस ग्रेड पे जो आपका रहेगा वो 4,600। लेवल 8 की जो आपकी पे स्केल रहेगा, जो कि बहुत अच्छी है। और इसका ऑनलाइन सबमिशन डेट जो है स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15 अक्टूबर 2019 से लेके 4 नवंबर 2019 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो दो बेसिस पे होगा, प्रीलिम्स जो कि है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, प्लस इंटरव्यू। इन दो बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रखा है, जो EX सर्विस मैन है और ऑफिसर है उनको 5 ईयर्स का दे रखा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए अप टू 10 ईयर्स है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो मांगा गया है, पॉजिटिव बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल और टेक्नोलॉजी यानी बीटेक किया है उन्होंने सिविल ब्रांच से, वो अपना कर सकते हैं। और यहाँ पे नो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसा रहेगा आपका, यहाँ पे दे रखा है टोटल 300 मार्क्स का होगा, जिसमें पार्ट ए जनरल स्टडीज़ का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी जो रहेगा वो कंसर्न सब्जेक्ट से होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा। टाइम ड्यूरेशन विल बी 3 आवर्स। और मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, जो इंटरव्यू लिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद वो आपका होगा 100 मार्क्स का। और जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो 50% वेटेज ऑफ प्रीलिम्स मार्क्स और 50% वेटेज जो लिया जाएगा वो इंटरव्यू का लिया जाएगा। और इसमें यहाँ पे पहले से ही बता दिया गया है, जो टेंटेटिव डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 2 फरवरी 2020 को है, और टेंटेटिव डेट ऑफ रिज़ल्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2020 तक आ जाएगी। फिर टेंटेटिव मंथ ऑफ मेन एग्ज़ाम वो अभी बताया नहीं गया है, वो फ्यूचर में वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और टेंटेटिव मंथ ऑफ इंटरव्यू जो होगा वो अगस्त 2020 को आपका रहेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ मंथ ऑफ रिज़ल्ट जो है आफ्टर 10 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू, तो आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा इंटरव्यू देने के बाद 10 डेज के बाद, जैसे कि आप जब इंटरव्यू देंगे उसके 10 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।